आदर दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज मैं अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच टी वर्ल्ड कप में होने वाला मैच और उस पर गर्माती हुई राजनीति दरअसल 24 अक्टूबर को दुबई के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच टी वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा इसको लेकर के हमारे यहाँ राजनीति शुरू हो गई है वैसे खेलों को देशों की राजनीति से अलग रखना चाहिए लेकिन क्या देश जो है हमारे खासतौर से हमारे जैसे जो जज्बाती देश होते हैं क्या वो खेलों को अलग रख सकते हैं क्योंकि हमारे यहां सब कुछ राजनीति से जुड़ जाता है ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच भी राजनीति का शिकार होता दिखाई दे रहा है लेकिन क्या यह मैच जो 24 अक्टूबर को खेला जाना है क्या मैच रद्द हो सकता है इसको लेकर के बीसीआई क्या कहती है और राजनीति क्या हो रही है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है कि सरकार को इस बारे में दोबारा से सोचना चाहिए ख़ासतौर से बी -सी -सी को कि देश के अंदर जिस तरह के माहौल हैं पाकिस्तान से जिस तरह के संबंध हैं और कश्मीर के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके तहत क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इतिहादलमसलमिन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है कि जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं कश्मीर के अंदर जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है क्या आप अपने उस बयान पर मोदी जी कायम रहेंगे जो 2014 से पहले आपने दिया था यानी सवाल सीधे सीधे उठ रहा है कि देश की राजनीति पाकिस्तान से संबंध और पाकिस्तान भारत के बीच होने वाले मैच पर पड़ने वाला असर क्या वाकई में ये मैच रद्द हो पाएगा क्योंकि ये मैच जो है ये भारत और पाकिस्तान के मुताबिक नहीं हो रहा है ये मैच हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक यानी कि आईसीसी जो दुनिया भर के अंदर क्रिकेट के मामलों को मैनेज करता है इसको लेकर के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया है राजीव शुक्ला का कहना है कि कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं वो दुखद हैं और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं जहां तक भारत पाकिस्तान मैच का सवाल है तो यह आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत होता है उसमें हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते हैं आई के टूर्नामेंट में खेलना ही होता है ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब भारत क्या करेगा राजनीतिक तौर पर जिस तरह से विरोध हो रहा है क्या उस विरोध का कोई असर होगा चूँकि बीसीसीआई सीधे तौर पर कह चुकी है कि हम इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगा सकते हैं ये हमारे हाथ की चीज़ है ही नहीं ये आईसीसी का मामला है और जो अंतरराष्ट्रीय समझौता क्रिकेट को लेकर के भारत का हुआ है बीसीसीआई का हुआ है उसके तहत हम किसी भी देश के साथ मैच खेलने से मना नहीं कर सकते हैं चाहे राजनीतिक हालात कैसे ही भी क्यों ना हो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंतजार कीजिए 24 अक्टूबर का और देखिए जाए जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया